लाइफ इन दिस इंडस्ट्री? देखिए, लाइफ किसी भी कलाकार की, एक्टर की, मुझे लगता है कि वो वहाँ से शुरू हो जाती है जब वो सपना देखना शुरू करता है कि मुझे इस फील्ड में आना है। तो मेरा सफ़र तो खैर थिएटर से शुरू हुआ था और रंगमंच से सफ़र चलता हुआ जयपुर, जयपुर से फिर दिल्ली आया, क्योंकि दिल्ली जो है वो जितने भी नाटक और थिएटर वाली एक्टिविटीज़ हैं उनका एक हब है। तो दिल्ली में आया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो फैकल्टीज़ हैं उन सब के साथ फ्रीलांस मैंने 2-3 साल अच्छे से थिएटर किया। उसके बाद फिर मुंबई आया और सफ़र शुरू हुआ। सो सफ़र बहुत खुशनुमा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और आज के दौर में जब वेब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, OTT पे का इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टेलीविज़न भी कर रहा हूँ, फिल्म भी मैंने बीच में की, अभी फिर कर रहा हूँ और चल ही रहा है काफ़ी। कहते हैं कि कुछ भी अचीव करने के लिए हर किसी को एक स्ट्रगल पीरियड से गुजरना पड़ता है, तो हम जानना चाहेंगे आपकी स्ट्रगल पीरियड किस तरह रही है एंड हाउ यू टैकल इट? देखिए, सच कहूँ तो स्ट्रगल तो ताउम्र है, वो रहेगा ही लाइफ टाइम। जब आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना है तो इस क्षेत्र में आना, इस सिनेमा, टीवी, फिल्म जगत में, एंटरटेनमेंट में आना, मतलब स्ट्रगल, संघर्ष जो है वो तो आपके साथ जुड़ ही जाता है, तो वो चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि चाहे कोई एक न्यू कमर हो, चाहे एक मेरा जैसा इंसान हो जिसने लगभग 1 डिकेड पूरा यहाँ पे देख लिया हो और सफ़र चल रहा हो, चाहे कोई पुराने से पुराने दिग्गज कलाकार हो, संघर्ष तो आज भी चलता है और करते रहना है, वो लाइफ टाइम करना है। तो उससे तो पीछे नहीं हटता हूँ और ना कभी हटूँगा, और करता ही जा रहा हूँ और आज भी संघर्षरत हूँ। अमेजिंग। लाइक थ्रू आउट योर जर्नी हु मोटिवेटेड यू अ लॉट, चाहे वो आपका थिएटर का हो, आपका टीवी में टेलीविजन हो, बॉलीवुड या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, थ्रू आउट योर जर्नी इन दिस इंडस्ट्री हु सपोर्टेड यू अ लॉट? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो आपको खुद को संभालना होता है। लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं, जो एक बैकबोन होते हैं, या फिर कहते हैं कि कोई आपके कंधे पे हाथ रख दे और कहे कि यार मैं हूँ तेरे साथ, चल तू आगे बढ़, तो वो भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुद का ढांढस बंधाना होता है वो एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पेशेंस जो है इस फील्ड में सर्वोपरि है, सबसे पहले है, उसी को ही मतलब मैं मानता हूँ कि उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं जो आप पे विश्वास करते हैं, क्योंकि मुंबई शहर में आने से पहले, बल्कि मैं हर एक न्यू कमर को भी कहूंगा कि आप अपने आप को एक टाइमलाइन देकर आएं, क्योंकि लाइफ आपकी है, जीवन आपका है, आपको देखना है कैसे आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये बहुत कम समय है। आज कितनी खुशी होती है कि जब पता लगा कि बच्चन साहब ने 50 साल, मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि, और आज भी वो जो हैं, जो उनकी एनर्जी है वो कमाल है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि वो संघर्षरत रहे, लगे रहे, और खुद को उन्होंने इतना पक्का, इतना मोटिवेट अपने आप को करके रखा, बूस्ट करके रखा, कि आज भी उनकी एनर्जी, उनका काम, उनका पैशन, उनका जो एक एंथ्यू है, जो एक डेडिकेशन है, जो एक प्रोफेशनलिज्म है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, इसलिए वो बच्चन साहब हैं। तो खुद को, और फिर उसके अलावा माँ बाप का सपोर्ट होता है, वो आपको एक हिम्मत देते हैं, आपके कुछ दोस्त होते हैं जो समय बे समय आपको उस चीज़ के लिए चाबी भरते रहते हैं। जैसे मुझे लोग कहते हैं, अरे यार तू क्या कर रहा है, तुझे बहुत पहले फिल्मों में कुछ अच्छा करना था, बट ठीक है, मैं जानता हूँ मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो चल रहा है और जो रास्ते में आ रहा है वो करता जा रहा हूँ। तो फिर भी अगर कुछ लोगों की बातचीत करूँ तो जैसे कि सतीश कौशिक जी हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे शुरुआत से, मतलब 2006-07 की अगर बातचीत करूँ तो जब मैं 19 साल का था, तब से उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है, बहुत हिम्मत दी है, और आगे भी उनके साथ मैं काम करने वाला हूँ। तो अच्छा लगता है। काफ़ी कुछ और लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है कि आपको अच्छा काम करना चाहिए। आज टेलीविज़न से लोग कहाँ कहाँ कितने अच्छे लेवल पे पहुँच रहे हैं, आज तो खैर बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं अगर पहले की बात करूँ तो आप देखिए, शाहरुख खान एक इतना बड़ा उदाहरण है और सुपरस्टार हैं। तो अच्छा लगता है, और ऐसे लोगों से आपको हिम्मत मिलती है, वो आपको इंस्पायर करते हैं कि जब सर्कस या फौजी आया था उन दिनों में, दूरदर्शन के दिनों में, और तब के बाद अब अगर आप देखें तो इतने और चैनल्स हैं, इतना सब कुछ काम बढ़ गया है, इतने चैनल, तो उसी हिसाब से, उसी तादाद में अब लोगों को आगे मौके भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो अच्छा है। टेलीविजन और बॉलीवुड की बात की जाए, लाइक दोनों आपने किया है, तो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्या लगा, टेलीविजन में काम करना है या बॉलीवुड?
एनी मूवीज और एनी सीरीज? देखिए, एक कलाकार के लिए, एक्टर के लिए इनेक्टमेंट, कैरेक्टर, उसका परफॉर्मेंस वो मैटर करता है। ये एक मेरी राय है। हाँ, फिल्मों का सपना, बड़े पर्दे पे आना, वो एक सबके लिए प्रायोरिटी वाला रहता है, और आप उसको तवज्जो देते हैं, आप प्रेफरेंस देते हैं, और आप चाहते हैं, और आपकी एक दिली ख्वाहिश होती है कि नहीं यार, 70 mm बड़े पर्दे पे आना है, तो वो है। लेकिन मेरे लिए मैटर करता है किरदार, कैरेक्टर, चाहे वो छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो, जिसमें आपने अपना लोहा मनवा दिया और आपने लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि नहीं, अनिरुद्ध नहीं है, ये वो कैरेक्टर है, वहां पे आपकी जीत हो जाती है। तो मेरे लिए चाहे फिल्म हो, चाहे टीवी हो, स्टेज थिएटर हो, चाहे वेब हो, एंटरटेनमेंट से मतलब है, कैरेक्टर से मतलब है, और वो रिलेटेबिलिटी रहे लोगों की, कहाँ और रिलेट कर पाए और कहें कि नहीं यार, बात है। जैसे किरदार के बारे में बात चली रही है, तो आपने इतने किरदार प्ले किए हैं, मतलब हर उसमें आपने एक वैरायटी लेकर आए, चाहे वो मूवीज में हमने देखा हो या हमने टेलीविजन में देखा हो या कहीं भी, आपने इतनी वैरायटीज लेकर आए। बट आपसे जानना चाहेंगे कौन सा किरदार अब तक आपने सबसे ज्यादा इंजॉय किया है एंड अप्रिसिएट जिसको ज्यादा मिला हो? देखिए, पहला जो मैं कहूंगा, स्टार प्लस पे एक शो था 2012 में, रुक जाना नहीं, जो कि एक BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पृष्ठभूमि पे था, तो उसमें इंदु सिंह जो छात्र नेता वाला कैरेक्टर था, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसके अलावा एक ऐसा किरदार जो इंसान ही नहीं, वो एक रोबोट है, यारो का टशन, यारो, जो उसमें मैंने एक टाइटल रोल यारो की प्ले किया था, तो वो बहुत ही मासूम कैरेक्टर था, और जो इंसानी नहीं है, जो कुछ नहीं जानता, उसके अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाल दिया वैसे वो काम करता है, वैसे वो वर्क करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत संतुलित है, उसके दिमाग में सिर्फ जो उसकी मेमोरी रैम में है, रोम में है, सिर्फ वही उसके रोम रोम में है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो यारो बहुत चैलेंजिंग रोल था और बड़ा मज़ा आया। और अब हनुमान सिंह, ऑफकोर्स, पटियाला बेब्स में बहुत ही कमाल और उम्दा किरदार है, और बहुत ही प्यार मिला। तो ये तीन कैरेक्टर्स मेरी लाइफ के, मैं कहूँगा अभी तक के, सबसे ज़्यादा करीबी रहे हैं। हनुमान के कैरेक्टर को तो लाइक काफी, मतलब हमने सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह में जी देखा, हाँ, इंडस्ट्री से काफी प्यार मिला था इस बहुत। कैरेक्टर को। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के फीडबैक्स आपको मिले हैं और किन-किन से मिले हैं? देखिए, सच बताऊँ तो ये एक कैरेक्टर ऐसा रहा, ये कि शो ऐसा रहा, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं, एक आध का पहले मैं भी ऐसा हिस्सा रहा था तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, शोज आके चले जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। अरे आप पहले और किसी शो में भी थे क्या? वो पता नहीं होता कौन सा शो होता है। पटियाला बीब्स एक ऐसा शो रहेगा जो लोगों को हमेशा ताउम्र याद रहेगा, मुझे लगता है, और मुझे इसमें बहुत प्यार, बहुत अप्रिसिएशन मिला लोगों का। स्पेशली अगर इंडस्ट्री के लोगों की बातचीत करूं तो ऑफ कोर्स बोनी कपूर जी, अनिल कपूर साहब, सतीश कौशिक जी, और राहुल ढोलकिया जी, और अभिषेक शर्मा डायरेक्टर, उन्होंने, राकेश बेदी जी, तो ये काफ़ी दिग्गज लोग हैं जिन्होंने बड़े गौर से देखा उसको, और उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये क्राफ्ट, ये इनैक्टमेंट जो है बहुत डिफरेंट है, और बहुत बारीकियों के साथ आपने काम किया। तो मुझे जब इस तरीके के इतने बड़े बड़े लोगों से रिव्यूज़ मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, प्यार मिलता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, वाकई मैं जो करना चाहता था उसमें काफ़ी हद तक मैंने सफलता मुझे मिली है। तो अभी भी ट्विटर पे, मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ, बट हाँ, आई एम मोर ट्विटर लवर, तो ट्विटर पे काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी इंटेलेक्ट बातचीत होती है, और उनसे मैं टच में हूँ, और उन लोगों ने बहुत बहुत मुझे बेस्ट विशेस दी, प्यार दिया, और स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी ऐसे प्यार देते रहे। ओके, जहाँ हनुमान को इतना प्यार दिया है, वहीं लीप के बाद काफी, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी आने लग गए थे कि लीप आ गया है, निकाल दिया गया है आपको और आपके साथ जो देखिए, लीप थी। तो निकाल देना तो शब्द जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपभ्रंश हो गया, बात कुछ और थी, और लोगों को ऐसा लगा कि निकाल दिया गया, ऐसा निकालने वाली कोई बात नहीं है। हर कहानी का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, और उस पॉइंट के बाद आपको फिर आगे लाइफ में सोचना होता है, मतलब स्टोरी में, कि अब आगे क्या। तो साल भर बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने पूरा किया, और बहुत तो लोगों को काम पसंद आया, तो मुझे लगता है कि अब स्टोरी में आगे ऐसा था कि
अब आगे की एक जिंदगी, एक आगे का जो फेज है मिनी का, वो दिखाना था। तो शायद मुझे लगता है कि वहीं पे हनुमान सिंह और बबीता की जिंदगी जो है, उनका जो सफर था वो वहीं तक था। तो ऐसा है, बट जहाँ तक जितना जो रहा वो बहुत खूबसूरत रहा, और उसके लिए मैं ऑडियंस का और सब लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने इतना प्यार दिया। और आमतौर पे लोग कहते हैं कि टेलीविज़न में, हाँ यार टेलीविज़न में कौन एक्टिंग करता है, चलता है, होता है, बट अगर एक बहुत अच्छी स्टोरी आई और अगर एक्ट्रेस ने उसमें मेहनत की तो वो मेहनत दिखी, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये शो सबसे अलग है और स्टैंड आउट करता है आज भी। बिल्कुल, पटियाला वेव्स की बात ही चल रही है, जैसे आपने काफ़ी, हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं पटियाला वेव्स के, जितने भी दिन आपने गुजारे हैं। अगर कोई बेस्ट मेमोरीज आपको शेयर करनी होगी ड्यूरिंग द पटियाला वेव शूटिंग तो वो क्या होगी? देखिए, जब आप कोई एक शो करते हैं और स्पेशली जब, जैसे कि लगभग 260 एपिसोड मैंने इसके पूरे किए, तो ना एक एक दिन, एक एक पल, वो रिहर्सल के दौरान जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत आपके नज़दीक होती हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी जैसे कि फिल्मों में आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि मेकिंग होती है बाद में, तो उसमें बहुत सारे गूफ अप्स हो जाते हैं, कभी कुछ का कुछ बोल जाते हैं, कभी बीच में एक हंसी का फव्वारा छूट जाता है तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में हैं और मुझे याद हैं। स्पेशली मैं, परिधि और अश्नूर, हम तीनों ने बहुत ही कमाल का समय साथ में बिताया और बड़ा मज़ा आया। रिहर्सल करते थे, हर बार कुछ एक नई चीज़ आती थी और बहुत बड़े बड़े सीन्स होते थे, बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे। 22 मिनट के एपिसोड में कभी कभी ऐसा होता था कि हमने 15-15, 18-18 मिनट के एक सीन किए, और वो सब हमारे वन शॉट रहते थे, वेरी मच लाइक थिएट्रिकल। तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आपके साथ एक्टर्स अच्छे होते हैं ना, तो आपको मज़ा आता है करने में, आप कहीं पर अटकते नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन अगर अटक जाते हैं तो फिर वो अटक ही जाते हैं, ऐसा होता है। तो अटकना इन टर्म्स ऑफ, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप पर्टिकुलर किसी लाइन पे अटक गए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसपे आपका हंसी छूट जाती है तो आप हंसते रहते हैं, तो वो फिर होता है कि अच्छा ओके चलो ओके नाउ सीरियस सीरियस अब ओके नेक्स्ट रोल रोलिंग एक्शन, आपने पूरी अच्छी बोली 10 लाइन, अब वो 15वीं लाइन है जहाँ पे आपको हंसना है, आप उससे पहले एक पॉज ले लोगे, इधर उधर देखने लगोगे, बहुत गुस्सा आएगा, मेरे जैसे इंसान ऐसे हाथ आपको पकड़ लेता है ताकि हंसी नहीं आए, लेकिन अब जब आप आई कांटेक्ट करते हो वो करते ही फिर आप वापस हंसने लग जाते हो। तो ये एक एक, एक, एक ऐसा यू नो पल होता है, और ये एक्ट्रेस इसको बखूबी समझ सकते हैं कि वो बड़ा मज़ेदार होता है। फिर आपको बहुत अपने आप को समझाना पड़ता है, नहीं 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 हंसना नहीं है, ओके सीरियस, इतने सारे लोग देख रहे हैं और यू नो आपको सीरियसली काम करना है, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वैसे में हम लोग मैनेज कर लेते हैं कभी कभी, फिर होता है कि चलो ठीक है ओके। एक्चुअली हमने देखा है काफी ऑन लोकेशन के लिए जब भी आते थे काफी मजा मस्ती चलती थी पटियाला में, काफी हम भी एंजॉय करते थे, मतलब जो क्रैक्स करना हो या कुछ भी हो बहुत मजा आता था। अभी फिलहाल जब मतलब पटियाला वेव्स का सफर जहाँ आपका खत्म हो चुका है, अभी भी आप अश्नूर और परिधि के साथ इन टच? बिल्कुल टच में हूँ, इनफैक्ट मैंने कल ही उनको एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने उनको थैंक्स बोला दिल से, एंटायर यूनिट को, कास्ट को, क्रू को, और मैंने उन्हें कहा कि मेरे बेस्ट को एक्टर हैं आप आज तक, और बहुत ही अच्छा लगा, कमाल का सफर रहा। तो टच में तो रहेंगे ही, फिर कभी मिलते जुलते रहेंगे, अभी हमने 260 एपिसोड पूरे किए, अब 300 एपिसोड की फिर पार्टी होगी, सो अगेन विल मीट अप। और बाकी तो इंडस्ट्री में इतने चीज़ें, फंक्शन, अवार्ड, पार्टी, इधर उधर सब चलता रहता है, तो मुलाकात होती रहती है। इसके अलावा जाना चाहेंगे बॉलीवुड के आपके और भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें देखने? अभी फिलहाल लास्ट ईयर मैंने एक रीजनल फिल्म की थी जी स्टूडियो सतीश कौशिक प्रोडक्शन की, तो हरियाणा बेस्ड थी वो फिल्म। एक और फिल्म वापस मार्च में हम करने जा रहे हैं, और बहुत ही कमाल की अच्छी फिल्म है जो हिंदी और हरियाणवी रहेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में हरियाणवी और हरियाणा की जो फिल्में हैं उसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है इंडस्ट्री में, जैसे चाहे आप चाहे सुल्तान की बात करें, आप दंगल की बात करें, हाल ही में सांड की आंख आई, ये सब यू नो एक टाइम ये था कि सिर्फ यूपी बिहार वाले बैकग्राउंड की सिर्फ फिल्में आ रही थी, तो अब जो है वो हरियाणा वाला सेक्टर जो है उसको भी काफ़ी एक्सपोज किया है लोगों ने और लोग पसंद कर रहे हैं। तो उसी जोन में फिर से मैं एक और फिल्म, एक और जो है वो फिल्म करने जा रहा हूँ, तो लुकिंग फॉरवर्ड। और इस बार मुझे लगता है कि
पहले से और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज़ फैन फॉलोइंग जो है वो पंजाब में और हरियाणा में, दिल्ली में बहुत 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 बढ़ चुकी है, थैंक्स टू पटियाला वेव्स एंड एंटायर टीम। ओके, आपने इतने जॉनर्स किए, इतनी वैरायटी ऑफ जॉनर्स में आपने आपका किरदार प्ले किया, बट कोई एक ऐसा जॉनर जो आप चाहते हैं कि आगे आपको इस ये किरदार मुझे मिले? देखिए 2009 से, लगभग 8 से सॉरी, जब से मैंने पहली बार इंटरव्यूज देने शुरू किए, तब से मेरा एक ड्रीम रोल है, वो है जोकर। जोकर की जिंदगी जो होती है उसमें जितनी लेयरिंग है, जितनी एक ट्रांजिशन है, जितना उसमें एक रंग है, जितना उसमें सुकून है, जितना उसमें दर्द है, जितना उसमें खेलने के लिए एक एक्टर के लिए है, मुझे लगता है कि वो किसी और किरदार में नहीं है। और मुझे लगता है कि वो मैं कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ, और मेरी एक आत्मिक इच्छा है कि एक बार तो मैं जोकर ज़रूर प्ले करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आपको एक, थैंक यू सो मच, कभी ना कभी तो जोकर का किरदार जरूर मिलेगा। लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे, लाइक इतना प्यार देते हैं, चाहे आपका कोई भी बॉलीवुड में आपकी मूवी हो, टेलीविजन में आपकी सीरीज हो या वेब सीरीज हो। देखिए हाँ, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जो पहली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है वो ये रहती है कि ऐसे ही प्यार बना के रखें, जितना जो है मेरे लिए काफ़ी है। और लोग पूछते हैं कि आप इतने कमाल के एक्टर हैं, आपको अवार्ड नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ मुझे वो अवार्ड चाहिए नहीं, बिकॉज आपका प्यार जो है वो मेरे लिए रिवॉर्ड है। दूसरी चीज़, जिन्हें तालियों और सीटियों का शौक़ होता है वो अवार्ड ट्रॉफियों से नहीं खेलते हैं, तो मैं उनमें से हूँ जो एक्टर रियल क्राफ्ट इनेक्टमेंट अभिनय पे अपने जोर देता है, और हर बार मैं अपने अभिनय से आप लोगों को अच्छे से अच्छा एंटरटेन करूँ, ये एक मेरी इच्छा रहेगी और मैं उसके लिए लगातार प्रयास करता रहूँगा और अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट और स्टोरीज करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि ऐसे ही आप लोग का प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध, इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू, सेम है, थैंक यू सो मच।